हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आप देखोगे पहली बार मेरा माय रियल लाइफ ब्लॉग कि मैं रियल में कैसी ज़िंदगी जीता हूँ। अभी तक तो आप देखते होंगे कि मैं घूमने जाता हूँ या कहीं कुछ करता हूँ, शादियों में जा रहा हूँ, तो उसका ब्लॉग दिखाता हूँ। पहली बार घर का ब्लॉग दिखाऊँगी। असल में मैं पहला काम होता है मेरा सुबह उठकर आधा लीटर पानी पीना। तो ये है अपना आधा लीटर पानी जो कि मैं डेली पीता हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, आधा लीटर पानी उठते ही मुझे पीना होता है। सुबह पानी पीने के बाद मैं जा रहा हूँ मारनी बाग के लिए, जो कि मैं सुबह सुबह पानी पीने के बाद पहला मेरा यही काम होता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको मारनी बाग के पे कहाँ जाता हूँ। सुबह तो घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है पहुँच चुका हूँ मारनी बाग करते करते। तो डेली मेरा मारनी बाग ऐसे होता है, दिखाता हूँ कि इस किस एरिया में बाहर मारनी बाग करता हूँ। तो ये है अपना एरिया, यहाँ पर मैं घर से ये लगभग आधा किलोमीटर दूर है। तो गाइस मैंने मारनी बाग कर लिया, फ्रेश भी हो लिया और ब्रश भी करने के बाद, और मैं फ्रेश होने भी यहीं पर आता हूँ। यहाँ पर मैं डेली आता हूँ हाथ मुँह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, जो मतलब ये पानी है, यहाँ पर मैं डेली आता हूँ ब्रश करने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। सुबह पहले मेरे यही तीन काम होते, मारनी बाग, फ्रेश होना और ब्रश करना। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद मंदिर में जाकर धूप पूजा करनी होती है। तो उसके बाद जो है वो बाकी सभी काम शुरू होते हैं मेरे डेली लाइफ में। खबर नहीं जीवन सफल बना ले, तो गाइस तो अभी होती है घर वालों की गुलामी शुरू, जिससे मैं कभी भी आज़ादी नहीं चाहता। दिस इज़ माय रियल लाइफ। तो अभी लगभग आधा किलोमीटर नीचे जाना है मुझे इसको लेके, इसमें लगभग 20 से 25 किलो वजन होगा।
गाइस फर्स्ट टाइम 12, इससे पहले 11 थे हाईएस्ट। चलता हूँ पेड़ पर ट्रिम्बल खाने के लिए। ये हमारी रियल लाइफ है जो हम करते हैं, वो दिखा रहा हूँ आपको। बाजी है वो पुल अप्स निकाल कर सुन्न हो गई है पूरी। भाई तो यही है मेरी रियल लाइफ जो क्या देख रहे हैं, काम कर रहा हूँ मैं। मक्की की गुड़ाई चल रही है अभी मई जून में, जून का एंड हो रहा है। जून के एंड में हमारे गांव में यही काम होता है, सभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी घर वाले भी आ रहे हैं, फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ अभी। भाई तो टाइम हो चुका है 11:15, 7 बजे हमने शुरू किया था गुड़ाई करना, तो 11 हो चुके हैं। तो अभी तक हमारा नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं था, अभी चलते हैं घर। वहाँ से किया था हमने शुरू, वहाँ से ये वाला खेत जो है इसमें पूरी गुड़ाई की हमने, तो आधा वो वाला भी हो गया। अभी थोड़ी सी रह गई, एक दो दिन लगेगा तो गुड़ाई खत्म हो जाएगी मक्खियों की। सो गाइस तो ये है अपना खाना जो कि चावल वाला साग है, चावल और दही से बनता है ये, और दही है साथ में, और अचार है, कुछ फुलके लिए हैं। सो गाइस टाइम हो रहा है 2:15, खाना बना खाकर और नहा धोकर जा रहे हैं मछेटी, क्योंकि थोड़ा सा काम है हमको, तो डैडी भी आ रहे हैं पीछे। तो बनी है तेरी वीडियो? हाँ देख सकते हैं, कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है ये तालवान। ये तालवान कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है। सो गाइस घर में तो पहुंच गया, घर में पहुंच कर खाना वाना खाकर दोबारा से फिर जा रहा हूँ मैं गुड़ाई करने के लिए। डैडी चले गए आगे, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो टाइम हो रहा है अभी 4:30 से लेकर 8 बजे तक गुड़ाई करेंगे हम। कैसा पानी है यहाँ पर, ऐसा कुछ पानी है यहाँ पर, इतना कम पानी है। सो गाइस तो टाइम जो है वो हो चुका है 7:45, तो अभी चलते हैं घर, अंधेरा हो रहा है। घर पर जाकर मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, तो घर जाते जाते हो जाएगा अंधेरा। तो मैंने सोचा कि इधर ही वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। तो मतलब यार ऐसी होती है कि मिडिल क्लास लड़के की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, किसी भी मिडिल क्लास लड़के की लाइफ। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रियल लाइफ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।